जय माता दी। आज हम बात करेंगे नशे के बारे में कि आखिर लोग नशे के शिकार क्यों होते हैं, नशे के आदि क्यों होते हैं। जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग बनते हैं, कौन से ग्रह खराब होने के कारण इंसान नशे की तरफ जल्दी उसका झुकाव होता है, और एक बार अगर वो नशा करने लग जाए तो उसका आदि ऐसा हो जाता है कि जिसको छोड़ना एक तरह से उसके लिए इम्पॉसिबल होता है, नामुमकिन होता है। तो जन्म कुंडली में कौन से योग होते हैं, इसके लिए कौन से उपाय करने चाहिए, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिए। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आप लोगों को तीन ऐसे युतियों के बारे में बताऊंगा जिसके कारण इंसान का आकर्षण नशे की तरफ जल्दी बढ़ता है, झुकाव उसका नशे की तरफ जल्दी होता है। सबसे पहला मेल है राहु और चंद्रमा का मेल। चंद्रमा जो है ये हमारे मन का कारक है। राहु और चंद्रमा का मेल होने से जब जन्म कुंडली में बुध खराब होता है, और राहु और चंद्रमा का मेल अगर खराब घरों में बैठा हो, जैसे खाना नंबर 8 के अंदर या 12 के अंदर या 9 के अंदर, जिसमें राहु नीच होता है, खराब माना जाता है, इन घरों के अंदर राहु चंद्रमा का मेल बनके बुध यानी बुद्धि को खराब कर रहा हो तो इंसान का झुकाव नशे की तरफ जल्दी होता है। अगर ऐसा इंसान नशा करने लग जाए तो उसके बाद उसका धीरे धीरे करके अगर आदि हो जाए तो उसको छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। उसका मेन कारण ये है, बुध हमारी बुद्धि यानी कि उसकी बुद्धि पूरी तरह से उसका साथ नहीं देती, क्योंकि राहु और चंद्रमा के मिलने से बुध खराब होता है यानी उसकी बुद्धि खराब होती है। और चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है, राहु उसको भी ग्रहण लगाता है, जिसके कारण मन उतना स्ट्रांग नहीं होता, उतना मजबूत नहीं होता कि अपने मन के ऊपर काबू रख करके वो नशे को छोड़ सके, या कह लो कि ऐसे इंसान की विल पावर कमजोर होती है। सुबह अगर ऐसा इंसान चाहे कि मैं शाम को नशा नहीं करूंगा, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं मन पे काबू नहीं रख पाता और दोबारा नशे की तरफ चला जाता है। दूसरी युति की मैं बात करूंगा, केतु और बुध का मेल। केतु और बुध के मिलने से भी बुध खराब होता है यानी कि बुद्धि खराब होती है, और केतु हमारा, जब केतु भी जन्म कुंडली में बुध के साथ बहुत अच्छा फल नहीं देता तो दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स बनते हैं, तो ऐसे लोग भी नशे की तरफ बहुत जल्दी जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा नशे के आदि हो जाए तो नशे को छोड़ना बहुत मुश्किल रहता है, यानी कि कई बार तो नामुमकिन जैसा होता है अगर इंसान बहुत ज़्यादा नशे के अंदर चला जाए। तीसरी युति की मैं बात करूँगा, चंद्र और बुध का मेल। चंद्रमा हमारा मन है, बुध हमारी बुद्धि है, और चंद्रमा भी जब कमज़ोर हो जाए या खराब घरों के अंदर बैठ जाए तो ऐसे में धीरे धीरे करके अगर इंसान नशे का आदि हो जाए तो उसको दोबारा छोड़ पाना बहुत मुश्किल रहता है। इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो चंद्र और बुध का ही है, सबसे ज़्यादा रोल चंद्रमा का है, क्योंकि जब हमें कोई बुरी आदत छोड़नी है या किसी भी तरह से कोई आदत छोड़नी है तो हमारा मन मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा मन मजबूत है, हम अपने मन के ऊपर काबू रख के उस चीज के ना होने पर भी उस चीज के जो सहन शक्ति हमारे अंदर बनती है वो हमें चंद्रमा देता है। जब चंद्रमा खराबी पर हो जाए तब किसी भी नशे को छोड़ना बहुत मुश्किल रहता है। इंसान का मन जो है वही एक तरह से किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए काम करता है। तो ऐसे में ऐसे लोगों को क्या उपाय करने चाहिए जिससे चंद्रमा उनका अच्छा हो सके और साथ ही वो नशे को छोड़ने में उनको मदद मिले। ऐसे में सबसे पहला उपाय, अपने घर में जितना भी कबाड़ है वो सारा कबाड़ घर से बाहर निकालिए, बड़े बुजुर्गों का, माँ मौसी नानी दादी का आशीर्वाद लेना शुरू कीजिए, और साथ ही एक चांदी के बड़े से बर्तन के अंदर, हो सके तो 2-3 बर्तनों चांदी की, कम से कम इतनी कटोरी लेकर के उसमें गंगा जल भर के चांदी का एक चकोर टुकड़ा डाल के चांदी का ढक्कन लगा के इसको अपने घर में उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर जरूर रखिए, और इसमें गंगा जल सूखने ना दीजिए। और एक चांदी का चौरस टुकड़ा लेकर के इसको अपनी शर्ट की जेब में अगर रखते हैं बहुत अच्छा है, ध्यान रखिएगा शर्ट की जेब में रखना है, पैंट की जेब में नहीं रखना। और साथ ही 43 दिन लगातार रात को पानी सेनाने रख करके सुबह किसी भी पेड़ के ऊपर डालिए, चंद्रमा स्ट्रांग होगा। और साथ ही एक और उपाय देने जा रहा हूं, जो लोग नशे के बहुत ज़्यादा आदि हो रहे हैं वो ये उपाय तो करेंगे, इससे उनका मन स्ट्रांग होगा, विल पावर बढ़ेगी, जिससे वो नशा छोड़ने के लिए उनके मन को ताकत मिलेगी। और साथ ही एक और उपाय, 43 दिन लगातार गौमूत्र का सेवन किसी भी तरह से कीजिए, चाहे सब्जी के अंदर डाल करके गौमूत्र का सेवन कीजिए या किसी भी तरह से गौमूत्र का सेवन 43 दिन लगातार करने से नशा छोड़ने की जो है
वो आपके अंदर ताकत आएगी। और जो लोग नशे के अंदर बहुत ज़्यादा जा चुके हैं, ये गौमूत्र वाला उपाय कीजिए, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह से हम और भी विषयों में आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।